गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू यू इन एस एंड ऑनलाइन क्लासेस। अब अपनी जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन हो गए थे, प्रूफ वगैरह वो थे, वो होमवर्क में दिए थे आपको। फिर आज अपन बात करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 की। अब 1.2 के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा है 7/4, अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं अपन, एक नंबर लाइन, जैसा कि अपने को पता है दो तरह के नंबर होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है अपने राइट हैंड साइड में और नेगेटिव होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंटिंग नंबर चलते हैं, लेकिन अपने को 7/4 को इसमें रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 4 लेते हुए नंबर लिखेंगे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। इधर जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसा ही हो चलता रहेगा, और इधर भी है जो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब अपने को रिप्रेजेंट करना है 7/4, तो इधर से एरो कर देंगे इधर की तरफ, ये हो जाएगा 7/4। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी जैसे नंबर दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, -2/11, -5/11 और -9/11, ये नंबर दिए हुए, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इनके लिए भी पहले नंबर लाइन खींचेंगे, ये हो गया 0, इधर हो जाएगा क्या 1, इधर जैसे ये माइनस में है तो इधर 0 को थोड़ा इधर ले देंगे, इधर लेंगे 1/11, 2/11, 3/11 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इधर माइनस का 1/11, -2/11, -3/11, -4/11, माइनस का 5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11 ऐसे है जो काउंटिंग नंबर चलते रहेंगे। अपने को एक तो -2/11 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक तो ये हो जाएगा 2/11, दूसरा अपने को 5/11 को रिप्रेजेंट करना था तो ये हो जाएगा, तीसरा अपने को 9/11 करना था तो ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे इनके रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट दी 5 रेशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, स्मॉलर देन 2 कह रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में दी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, देन 2, 2 से स्मॉलर यानी छोटे रेशनल नंबर कौन से होंगे, तो अब देखो 2 से छोटे कह रहा है तो क्या होगा, 1, 2 से स्मॉलर होता है 1, 0, -1, -2, -3, -4, ये है जो टोटल 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर ज्यादा गए तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या कह रहा है, फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन टू अपॉन थ्री एंड फोर अपॉन फाइव, तो टू अपॉन थ्री एंड फोर अपॉन फाइव के बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइव रेशनल नंबर लिखना है इनके बीच में, तो देखिए जाए, जैसे फर्स्ट नंबर है टू अपॉन थ्री एंड फोर अपॉन फाइव, अब इनके बीच में फाइव रेशनल नंबर लिखने, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनके बीच में रेशनल नंबर है जो लिखना आसान होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उस कंडीशन में पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो टू अपॉन थ्री है इसको फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा टेन अपॉन फिफ्टीन। ये फोर अपॉन फाइव है तो फोर अपॉन फाइव है जो नंबर बन जाएगा थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, जैसे इसके डिनोमिनेटर में थ्री है तो थ्री से किया और इसमें फाइव है तो इसको थ्री से करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर थ्री है तो इसको फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, फोर थ्री जो हो जाएगा ट्वेल्व और फाइव थ्री जो होगा फिफ्टीन। अब ये नंबर हो गए, अब इनके बीच वाले अपने को लिखने हैं फाइव रेशनल नंबर, तो इनको क्या करेंगे अपन, फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या फिर सिक्स से कर दो, तो टेन अपॉन फिफ्टीन है इसको सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर बन जाएगा सिक्सटी अपॉन नाइन, और ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन है वो बन जाएगा अपने, जैसे ही सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नाइनटी सेवनटी टू अपॉन नाइन। अब दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है और इनके बीच वाले नंबर लिखने हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इनके बीच वाले नंबर लिखना है ना, तो द फाइव रेशनल नंबर, द फाइव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन क्या था टू अपॉन थ्री एंड दूसरा क्या नंबर था फोर अपॉन फाइव आर, इनके बीच वाले नंबर कौन से होंगे, तो देखो सिक्सटी है नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, सिक्सटी और सेवेंटी टू के बीच में कौन से नंबर होता है, सिक्सटी वन अपॉन नाइनटी, सिक्सटी टू अपॉन नाइनटी, सिक्सटी थ्री अपॉन नाइनटी, सिक्सटी फोर अपॉन नाइनटी एंड सिक्सटी फाइव अपॉन नाइनटी, ये हो जाएंगे पांच। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें कुछ क्वेश्चन और थे उनके अंदर भी वही है सेम ही है, और फिर जो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं माइ राइट फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस टू, अब पहला जो क्वेश्चन किया था इससे जस्ट पहले वाला उसमें प्लस टू से छोटे वाले नंबर बताने थे, और इसमें कह रहा है कि माइनस टू से ग्रेटर, तो द रेशनल नंबर द फाइव रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर नंबर आर ग्रेटर देन माइनस टू आर, अब माइनस टू से बड़े है तो नंबर कौन से हैं, तो वो होंगे माइनस वन जीरो प्लस वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब ये नंबर हो जाएंगे इनसे ग्रेटर रेशनल नंबर। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में कह रहे हैं थ्री अपॉन फाइव और थ्री अपॉन फोर है उनके बीच वाले हैं जो रेशनल नंबर लिखने हैं टेन, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, देखिए इधर इसमें भी क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो अपना जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो यही रहता है,
कि डिनोमिनेटर को सेम करना। अब डिनोमिनेटर अगर दो फ्रैक्शन है तो क्रॉस में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो भी हो जाएगा, और दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिए हुआ हो तो उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 3/5 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12/20, और 3/4 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/20 हो जाएंगे। अब इनके बीच वाले नंबर लिखने हैं, इनके बीच वाले नंबर के लिए अपने को 10 लिखना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों। 12/20 को अगर 10 से भी करते हैं तो भी हो जाता है, तो 10 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120/200, और 15 को भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150/200। अब ये फ्रैक्शन हो गए, डिनोमिनेटर तो सेम है, ये इनके बीच वाले नंबर लिखना है तो दी 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर। अब वो कौन से होंगे तो देखो 120/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, ये 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 और 130/200। तो ये 10 रेशनल नंबर है जो इनके हो जाएंगे, इनके 3/5 और 3/4 के बीच वाले। इनके क्वेश्चंस को आपको करना है सेल्फली, जो ट्यूशन नहीं करवाए वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जॉइनिंग अस, हैव अ नाइस डे।